हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है जो हिंदी का कविता है जो देश हमारा, इसका एक पैराग्राफ मैं आपको समझा चुकी हूँ। आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ समझेंगे। देखिए, धवल हिमालय का यह प्रांगण, गंगा नित धोती है आंगन, मेघ बरसते रस की धारा, देश हमारा। लहरें आचरणों को धोती, बिखराती ला लाकर मोती, सिर धुनता है सागर खारा, देश हमारा। चलिए अब इसके मीनिंग को समझते हैं। धवल हिमालय का ये प्रांगण, धवल मीन्स सफ़ेद, क्या होता है सफ़ेद, ठीक है। हिमालय क्या था, पर्वत था, बताया था मैंने आपको पहले। का यह प्रांगण, प्रांगण का मतलब होता है आंगन, क्या होता है आंगन, ठीक है। तो सफ़ेद हिमालय का यह आंगन, मतलब हिमालय सफ़ेद नहीं है उसका कलर, हिमालय के ऊपर बर्फ गिरी है इसलिए वो सफ़ेद सफ़ेद हमें नज़र आता है, ठीक है। तो सफ़ेद हिमालय का यह आंगन, गंगा नित धोती है आंगन, गंगा, गंगा का अर्थ क्या है यहाँ पे, गंगा नदी से है। गंगा नदी जो है वो हमेशा क्या करती है, नित, ठीक है, रोज़ धोती है आंगन। धोती आंगन मतलब ये नहीं है कि पानी लाके कहीं से धोती, मतलब अपने पानी से उनके चरण धोती है, ठीक है। मेघ बरसते रस की धारा, मेघ मतलब बादल, मेघ क्या कर रहे हैं, बरस रहे हैं। तो मेघ बरसते रस की धारा, मेघ बरस रहे हैं और उनसे क्या हो रही है, पानी रूपी रस की धारा बह रही है, देश हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, लहरें आ चरणों को धोती, अर्थात जो समुद्रों की लहरें हैं, नदियों की लहरें हैं, ठीक है, वो आके क्या कर रही हैं, जो समुद्र की लहरें हैं वो भारत माता की के चरणों को क्या कर रही हैं, धो रही हैं। देखिए यहाँ पे भारत माता की पिक्चर दी गई है। बिखराती ला ला कर मोती, जो लहरें हैं वो अपने साथ पानी में क्या लेकर आ रही हैं, समुद्र के नदियों के पानी में क्या होते हैं, सीप होते हैं, शंख होते हैं, मोती होते हैं। तो वो क्या कर रही हैं, जब पानी लेकर आ रही हैं तो अपने बहाव के साथ वो अपने पानी में मोती भी ले आती हैं। तो लहरें आ चरणों को धोती, लहरें आकर क्या कर रही हैं, पानी एकदम से उनके चरणों पे पड़ रहा है तो वो धोए जा रहे हैं उससे। और बिखराती ला ला कर मोती, वो मोती अपने साथ अपने पानी में ले आती हैं और वहाँ पर आकर वो लहरों के साथ बिखर जाते हैं। सिर धुनता है सागर खारा, सागर खारा का अर्थ है कि सागर का पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा खारा होता है, नमक वाला होता है, उसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, इस वजह से वो खारा लगता है, ठीक है। सिर धुनता है सागर खारा, इसका अर्थ ये है, सिर धुनने का अर्थ होता है कि शोक के कारण बहुत अधिक दुख प्रकट करना। जो सागर खारा है वो अपने खारे पानी की वजह से क्या कर रहा है, माता के चरणों में इस तरह है जैसे कि शोक प्रकट कर रहा हो, तो देश हमारा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि ये जो मैंने आपको स्टेंजा पढ़ाया है ये आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, रीड ज़रूर करेंगे, ठीक है। ये जो वर्ड्स मैंने अब अंडरलाइन किए हुए दिख रहे हैं आपको, जैसे धवल, हिमालय, प्रांगण, नित, आंगन, मेघ, बरसते, चरणों, धोती, बिखराती, ला लाकर, धुनता, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आप अपने नोटबुक में लिखेंगे 5 times, बिल्कुल सुंदर हैंडराइटिंग में। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट पैराग्राफ है वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, तब तक के लिए आप इसे रीड आउट करेंगे, इसके मीनिंग को समझेंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक